हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो हो गया है नेक्स्ट डे और आज है मंडे और आज है रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सारे भाई बहनों को ये राखी का फेस्टिवल बहुत बहुत मुबारक हो। सो आज छुट्टी हमारी और अभी मैं बस आ गई हूँ अपने किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज मेरी जो मेड दीदी हैं जो बर्तन वर्तन करती हैं उन्होंने भी छुट्टी ली हुई है, तो थोड़े से बर्तन भी धोने हैं और कुक आंटी ने हाफ डे की छुट्टी ली है तो रात में आएंगी। कुछ नहीं, बस मैं भी आई हूँ। नाश्ता वाश्ता बनाते हैं और फिर दिन की शुरुआत करते हैं। कहाँ जा रहे माही? क्यों? तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, माहिरा का वैक्सीनेशन पेंडिंग है तो जाते हैं और देखते हैं कौन से और कितने वैक्सीनेशन पेंडिंग है। और आज माहिरा बहुत हिम्मत करके आई है, वो आज सारे इंजेक्शन खत्म कर देगी, है ना माही? What do you mean, सारे? एक तो है ही, अगर कोई और रहा तो वो भी। नारियल पीने के बाद ये है उसकी मलाई, क्या मस्त उसने कटोरा बना के दिया है। Two hours later. हॉस्पिटल से आ गए थे हम लोग, सो आज माहिरा को इंजेक्शन नहीं लगा क्योंकि उसका जो इंजेक्शन पेंडिंग था वो कोविड के टाइम पे पेंडिंग था। और वो जब 5 years की थी तो उसका एक दो वैक्सीनेशन था जो पेंडिंग था, डॉक्टर ने बोला काफ़ी लोगों का मिस हुआ है वो, तो वो हो नहीं पाया। तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि जब वो 9 years की होगी तब हम उसका एक बूस्टर डोज दे देंगे। सो आज उसको कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगा, अगला वैक्सीनेशन उसको 9 years की एज पे मिलेगा। तो बस फिर उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, वो खुशी खुशी वापस लौट आई। हमने भी 5 vials सब अपडेट कर ली, जो भी अपना वैक्सीनेशन चार्ट था वो सब अपडेट कर लिया, करवा लिया डॉक्टर से। और बस अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर एक फ्रेंड के साथ, मैं जा रही हूँ। मुझे यहाँ पे एक दो स्टोर में कुछ ऑफ़र्स लगे हुए थे, सो हमने सोचा एक बार जाके चक्कर मार के आते हैं क्योंकि वो ब्रांड के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी टिकाऊ होते हैं। तो हमें लगा कि एक बार जाके देख कर आते हैं अगर कुछ ऐसा मिलता है, बिकॉज़ मुझे तो रोज़ ही ज़रूरत पड़ती है। और ये जो कुर्ते होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रेडी टू वेयर होते हैं और बहुत ही रफ़ एंड टफ़ आप उनको पहन सकते हो। सो बस मैं अभी जा रही हूँ, मैं, माही, हमारी फ्रेंड और उनका बेटा, बस हम ही लोग जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में आपको बोला था मैं आपको घर जाके पेड़ दिखाऊंगी पर मैं भूल गई, सो हियर इट इज़। ये है हमारा पाम ट्री, हमने ये वाला इसके लिए पॉट लिया और ये पाम ट्री, और ये है स्नेक प्लांट, इसके लिए हमने एक येलो कलर का पॉट लिया, और एक और है फ्लावर वाला, और एक है ये फ्लावर प्लांट जो मैंने बाहर रखा है क्योंकि उसको धूप की ज़रूरत होती है। सो दैट्स इट, ये तीन ही पौधे लिए हमने। आ जाओ माही, ये देखो ये कैसे किया आपने, ये दोनों कान में अलग अलग इयररिंग्स कैसे पहने? दूसरा वाला दिखाना, दूसरा वाला कौन सा पहना था? हाँ, एक ही कान में, एक कान में। पर पता है कुछ बुरा नहीं लग रहा है, इससे पता चलता है शीशा भी नहीं देखा मैंने, कुछ बुरा नहीं लग रहा है, पहन लो, अच्छा लग रहा है। हाँ माही, आज की ताजा खबर, दोनों कान में अलग अलग इयररिंग्स पहनने का फैशन शुरू किया है शशि ने। मजे करने का, यस। और आज हम लोग ऑटो राइड ले रहे हैं और मौसम भी अच्छा हो रहा है, बादल बादल से हो रहे हैं, मजा आ रहा है।
ओके हम खुद की शॉपिंग करेंगे और अपने फ्रेंड की भी शॉपिंग करेंगे। आ जाओ। हेलो, अभी हम वेबसाइट में और मेरी मम्मी कर रही हैं शॉपिंग। दिखाती हूँ अभी क्या ले रही हैं वो। देखो ये मम्मा ले रही हैं, है ना? कैसा लग रहा है? ये कौन सा है? वो बहुत अच्छा। वो सारी चीजें कि मैंने ये चूज की, एक टॉर्टोइज वाली भी थी लेकिन हमारे मना किया। ये है मेरा जो कि मैंने लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ब्लैक कलर का। ब्लैक और वाइट अच्छा है। लफंता आज आज उल्टा पुल्टा डे। हेलो एवरीवन, मैं आपको बता रही हूँ, आप बोलो। हाँ हेलो एवरीवन, आज भाईजान ने अपनी शर्ट उल्टी पहन ली। आज उल्टा पुल्टा डे हो गया। आज कुछ ने उल्टे, आज सॉक्स गलत पहने हैं, फिर आंटी ने इयरिंग गलत पहनी, पर आज मायरा मैं बची हूँ, मैंने सब सही पहना हुआ है। आ गए हम लोग घर, हो गई अच्छी खासी शाम और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने आपको बोला था हमें कुछ लेना तो है नहीं, थोड़ा से ऑफर लगे हुए थे वेस्ट साइड में, वहाँ पे कुछ देखना था, पर एक्चुअली अभी कुछ ऑफर में बचा नहीं था, सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था और न्यू कलेक्शन जो आया था उसमें से कुछ खास ऐसा पसंद नहीं आया, लेकिन एक दो जो छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ले ली हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। तो ये माहिरा के लिए एक टी शर्ट ली है, उसकी बेसिकली सारी टी शर्ट्स थोड़ी सी पुरानी हो गई है, मतलब वो अभी गार्डन पहन के जाती है, तो आने जाने के लिए उसके पास एक दो ही टी शर्ट है, बार बार वही पहन रही थी, तो मैंने कहा एक और दिला देती हूँ। ये अच्छे से कॉटन के कपड़े की है, तो ये ब्लू डेनिम्स पे पहनेगी तो अच्छी लगेगी। फिर मैंने एक अपने लिए पजामा लिया, ये घर में पहनने के लिए, इसका टॉप भी था लेकिन उसका टॉप का नेक बहुत डीप था तो मैंने टॉप रहने दिया। ये मैं इसका टॉप यहीं से ले लूँगी, घर के पास में ही शॉप है। फिर ये मैंने एक ट्रे ली, मुझे बहुत टाइम से एक अच्छी ट्रे लेनी थी, तो मेरे पास है एक ट्रे है मीडियम साइज़ की, एक स्मॉल है, एक थोड़ी लार्ज ट्रे लेनी थी जिसमें 8 ग्लास अच्छे से फिट हो जाएं या 5-6-7 कप रखने हैं तो एक साथ आ जाएं। तो ये मैंने ट्रे ली है, वुडन की है, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है वेस्ट साइड का भी, अगर आप होम एसेंशियल्स लेने जाओ ना डेकोरेशन का, बहुत ही अमेजिंग रखता है, बेडशीट्स वगैरह बहुत अच्छी रहती है उनकी, तो ये मुझे लगी। मुझे गोल्ड ट्रे भी बहुत अच्छी लग रही थी उनकी, पर वो मैंने नहीं ली, मुझे उसका वॉशिंग का थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, डाउटफुल थी मैं। और फिर अगर हम औरतें कहीं जाएं और इयररिंग्स ना लें तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने एक ये इयररिंग ली और मैंने एक ये इयररिंग ली। ये मैं नहीं पहनती हूँ ऐसी इयररिंग्स, आपने मुझे देखा होगा इस तरह की कलरफुल या इस तरह की जो होती हैं, मैं इयररिंग्स मोस्टली नहीं पहनती हूँ, मैं ऐसी ज़्यादातर पहनती हूँ या तो ऑक्सीडाइज या गोल्ड या सिल्वर, एक ही टाइप की होती हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम थोड़ा सा रिस्क लिया है, मेरी जो फ्रेंड मेरे साथ गई थी वो ये ले रही थी और उसने मुझे बोला ट्राई करो, मैंने ट्राई करी तो अच्छी लगी, सो लेट्स सी, आई होप ये मैं पहनूं और ये अच्छी लगे मुझ पे, तो जब मैं पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। बस फ्रेंड्स ये थी छोटी सी शॉपिंग और कुछ नहीं, बस वहाँ थोड़ा बहुत घूमा, बहुत सारी बातें की, थोड़ा बहुत खाया पिया और चले आए। सो आज का दिन काफ़ी अच्छा बीता, रक्षाबंधन की छुट्टी हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आई है। बस अभी कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, माहिरा भी पार्क जाएगी खेलने के लिए, फिर वो आएगी, फिर थोड़ी बहुत और पढ़ाई करेंगे, कल उसका मराठी का टेस्ट है, उसकी मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस लेनी है, बस यही करेंगे आगे। फिर बने रहिए हमारे साथ, इस ब्लॉग की एंडिंग जब मैं लूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आ गई मैं नहा करके, आज मैं शाम में नहाई, दिन में नहाना हो नहीं पाया आज क्योंकि मेड भी नहीं है, बर्तन वर्तन भी धोने थे, कुछ ना कुछ किचन में काम लगा हुआ था और फिर जल्दी से टाइम हो गया, माहिरा को पढ़ा करके जाना था हमें, तो फिर मैंने सोचा आकर के आराम से नहाऊंगी, तो हो गया नहा वहा के, फ्रेश हो गई मैं और अभी ना कुछ ऑर्डर आया है, हमने रिसीव किया है कुछ, तो किसी ने भेजा है, मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या है और किसने भेजा आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड साजिद जी के लिए आई है राखी ये, और ये मेरे लिए, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट ये भी हाथ में पहनने के लिए होता है, ये भेजी है अर्शी ने जो कि मेरी भाभी है और साजिद जी की बहन लगती है, उसने भेजी है राखी। और मायरा के लिए भी उसने ये क्यूट सा बैंड, या आप इसे राखी बोलो, बैंड बोलो, जो बोलो, ये भेजा है, सो स्वीट, सच अ स्वीट जेस्चर बाय हर। सो जब ये आया ना तो हमें लगा कि ये क्या है,
तो मैंने साजिद जी को पूछा आपने कुछ मंगाया, उन्होंने बोला। मैंने सोचा मैंने भी नहीं मंगाया, तो कभी कभी ना कोई गलत डिलीवरी आ जाती है, तो मैंने उनको पूछा कि किसका ऑर्डर है, बिल्डिंग चेक करो। तो उसने बोला शबाना, और बिल्डिंग नंबर भी सही बताया और ऑर्डर एड्रेस भी सही था, सब सही था। तो मैम लोग सोच ही रहते कि किसने भेजा है, फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि राखी है तो ऑब्वियसली अर्शी नहीं भेजी होगी। हमने कॉल किया तो पता चला कि उसने भेजी है। सो थैंक यू अर्शी, अभी मैं इनको बांधूंगी और फिर तुमको वीडियो कॉल करूंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी मेड ने छुट्टी ले रखी है रक्षाबंधन 2 दिन की, तो बर्तन जमा हो गए हैं, थोड़े से बर्तन धो लेते हैं। और हम ना राशन लेकर आए थे, हम नहीं एक्चुअली साजिद जी और माहिरा गए थे और डी मार्ट से राशन पानी लेकर आए थे। वो 3 दिन से इधर ही रखा हुआ है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था उसे समेटने का, वो भी समेट लेते हैं। तो ये है बर्तन, पहले मैं सिंक चमकाती हूँ और उसके बाद ये जो राशन पानी का सामान है इसे समेटती हूँ और ये जगह भी चमका देती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सारा काम निपटा लिया, बर्तन धो लिए, सिंक क्लियर, सामान लगा दिया वो भी क्लियर। अभी बहुत लग गई है भूख, चलिए खाना खाते हैं। आज खाने में क्या बना मैं आपको दिखाती हूँ। आज खाने में है ये दोपहर का चिकन, ये भिंडी फ्राई, सैलेड, रोटी और मैं बनाऊंगी पापड़। खाना रेडी कर लिया, लेकिन जो राखी बांधनी थी और जो माहिरा को देना था और जो मेरे लिए आया था वो तो हम करना भूल ही गए। सो मैं आ गई हूँ रूम में, चेंज कर लेती हूँ, कंघी वंघी कर लेती हूँ, क्योंकि माहिरा को अभी तक बताया नहीं है कि उसके लिए भी कुछ आया है। तो पहले वो करते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे।